हाई हेलो 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे मेघा एंड आई बिलीव ये जो आज का दिन है ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज होने वाला है बिकॉज आज मैं एक ऐसे सीएम को इंटरव्यू करने वाली हूँ हु इज नेवर ऑफ ड्यूटी. एजुकेशन की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, सेफ्टी की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, हर एस्पेक्ट में इन्होंने हरियाणा का काया पलट किया है. इसे इस लेवल तक लेकर गए हैं कि नेशनली इंटरनेशनली हरियाणा को प्रेज मिल रही है. सो विद मी आई have today the honorable chief minister of haryana shri manohar lal khattar ji. sir aapke time ke liye sabse pehle thank you so much. aapka time bahut keemti hai hame. dhanyawad mega ji. aur main sabse pehle yahi kehna chahunga ki aapko nirash nahi karunga, bar bar ye mauke lete rahe, chinta mat kare. bilkul sir, abhi जो शुरुआत करना चाहती हूँ मैं इंटरव्यू की, वो सवाल तो बाद में आएंगे, पर पहला जो सवाल है वो मेरा पर्सनल सवाल है. यूथ की तरफ से ये सवाल आएगा. अभी आप एक मीटिंग से आए हैं, सुबह आपका दिन शुरू हो जाता है, बहुत सी चीजें चलती हैं दिन में, बट स्टिल ये जो एनर्जी है, व्हाट कीप्स यू गोइंग, ये जो आपका राज है, ये आज हम जानना चाहते हैं. मेघा जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा. ये मैं वास्तव में अपने से ज्यादा अपनी जनता, अपने लोग, उनको प्यार करता हूँ. उनको मैं समझता हूँ कि वही मेरे लिए आराध्य हैं. वही उनकी सेवा करना, उनके लिए लगातार रहना, यानी काम करते रहना, कैसे जनता का, मेरे हरियाणा का हर व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये जो संवेदनशीलता मन में है ये मुझे एनर्जी देती है, ताकत देती है. सुबह से लेकर शाम तक मुझे लगे कि हाँ ये काम जल्दी करने का, उसको लगा रहता हूँ, करता रहता हूँ. मीटिंग है तो मीटिंग करता हूँ, नहीं तो मेरे पास इतने काम जो पेंडिंग पड़े होते हैं उनमें लग जाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, और सब चीज़ों में सवेरे से लेकर शाम तक पता भी नहीं लगता कि कब दिन निकल गया, पूरा हो गया. तो जैसे कई लोगों का ना एक फिट फिक्स स्केड्यूल होता है कि सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, फिर ये करेंगे, आपका कोई ऐसा स्केड्यूल है? हाँ हाँ, प्रातःकाल का एक निश्चित शेड्यूल मेरा है. सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर थोड़ा फ्रेश होकर के उसके बाद योगा के लिए जाता हूँ, और योगा से बाद में आकर के तैयार होकर के, और मैं लगभग 9:30 बजे काम करने के लिए तैयार रहता हूँ. फिर जो रूटीन के दिन भर के काम होते हैं, शेड्यूल होता है, वो सब शुरू हो जाता है. 2 बजे से लेकर 3 बजे तक भोजन करना, थोड़ा रेस्ट करना, ये मैंने एक ऐसा कम समय रखा हुआ है. बहुत इमरजेंसी हो तो उसको भी यूज़ कर लेता हूँ, अन्यथा 2 से 3 समय रखना. और उसके बाद रात्रि को 8:30 से लेकर 9:15 बजे तक रात्रि का भोजन करना. फिर रात को 11:30 बजे तक मेरे लगातार कार्यक्रम चलते हैं. 11:30 और 12 बजे के बाद के बीच में थोड़ा न्यूज़ मीडिया, कभी टीवी खोलना, कभी ये चीज़ें देखना, क्योंकि दिन भर का जो घटित कार्यक्रम होता है शाम को आप लोग टीवी के माध्यम से हमको बताते हैं तो हम उसको देख लेते हैं. 12 बजे मैं सो जाता हूँ. पावर पैक डे रहता है, मतलब आपका पूरा पैन होल. तो सर, इंटरव्यू की शुरुआत करते हुए अभी जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑफकोर्स हॉट टॉपिक है हमारे देश का इस टाइम COVID-19, पूरी दुनिया का है, और हरियाणा सेंट्रली प्लेस्ड है, बहुत से और राज्यों का भी जो भार है वो कोविड का इस टाइम हरियाणा ने अपने कंधों पर उठाया. मतलब लोग सारे एक हैं, आपका ये मानना है, तो उनको भी सपोर्ट किया जाए. कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, तो ये जो पूरी सिचुएशन है हरियाणा ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है, तारीफ की गई है हरियाणा की टाइम एंड अगेन. क्या क्या किया आपने, किस तरीके से इसे टैकल किया, हैंडल किया सर? देखिए, पहली जो वेव थी उस समय तो थोड़ा हमको उसका कोई अनुभव भी नहीं था, कोई पुरानी उसकी हिस्ट्री नहीं थी, और जैसा ही कोविड शुरू हुआ देश और दुनिया में सब जगह समाचार आते थे. अपने देश के भी हर प्रांत से कुछ ना कुछ ऐसे समाचार मिलते थे जो बिल्कुल हिला देने वाले थे. लेकिन सब लोगों ने, हमारी जो टीम है, चाहे वो पॉलिटिकल टीम है, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सब डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहे थे, जनता का भी सहयोग बहुत उसमें मिला हमको, और NGO संस्थाएं सब जब लगे, तो पिछले जो 6 महीने में जो कुछ हमने सीखा, क्योंकि उसमें कोविड की जो लहर थी वो उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं थी जितनी इस बार आई थी. पिछले 6 महीने लग गए थे उसको पीक पर आने में, इस बार तो 2 महीने ही पीक पर आ गई, और पिछला जो सारी जो ग्रेविटी थी उस कोविड की, इस बार उससे 4 गुना ज़्यादा ग्रेविटी थी. तो उस सारे को ध्यान में रखते हुए पहली बार जो कठिनाई आई थी, दूसरी बार अनुभव उसका जो काम आया. हाँ, दूसरी बार एक चीज़ हमको जो अलग से, जिसके बारे में थोड़ा चिंता भी हुई, जो हमारे चैलेंज था, वो थी ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की सप्लाई का ये, यानी पहली बार इतना नहीं हुआ था, दूसरी बार ही ज़्यादा हुआ, तो इसलिए इसको भी हमने हैंडल किया. और सारी सप्लाई ऑक्सीजन की हमारी जो हरियाणा में मिलती थी वो बाहर से प्रदेशों से मिली वो भी, और इवन इसके लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमने विदेशों से भी मंगवाए, तो ऑक्सीजन की पूर्ति हमने की. लेकिन थोड़े समय ही ये कठिनाई रही और उसके ऊपर हमने पार पा लिया, और मैं समझता हूँ कि अब सारी स्थितियाँ एकदम सही हैं, ठीक हैं, और अब मैं मान के चलता हूँ कि वो सारी चीज़ें हमने जो सीखी हैं उसका कभी भी कोई ऐसा कल को और कठिनाई अगर आ गई उसके लिए भी उसका उपयोग करेंगे, और कभी भी इसका मुकाबला करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं. तैयारी पूरी है हमारी.
राइट सर, अगला सवाल जो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी बींग अ यंग गर्ल, जब मैं आ रही थी ना रस्ते में, मैं थोड़ी देर ऐसे बैठी हुई थी क्योंकि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू द सीएम ऑफ हरियाणा, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. तो जो यूथ है हमारे देश का, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे माध्यम से आज उन्हें बताएं कि ये इनिशिएटिव्स हमने आपके लिए लिए हुए हैं, कि आप एज ए सीएम यूथ पे फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या आप उनके लिए कर रहे हैं. देखिए, यूथ चूँकि हमारे देश की एक पोटेंशियल है, प्रदेश का एक पोटेंशियल है, और इस यूथ को जितना हम उपयोग कर लेंगे और जितना इनकी क्षमता को बढ़ा लेंगे, उतना ही हम अपने प्रदेश को, देश को आगे ले जाएंगे. तो सबसे पहले तो हमने इसकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया. हमारे यहाँ हरियाणा में जब हमने सत्ता संभाली तो शिक्षा के प्रति एक दुराग्रह बन गया था कि शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है, शिक्षा लेने का फायदा नहीं है, क्या करेंगे, कौन सी नौकरी मिल जानी है. लेकिन हमने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर मेरिट को जो है प्राथमिकता दी. कोई खर्चे नहीं, कोई पर्चे नहीं. और जब ये लोगों को लगा कि अब ईमानदारी से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमको नौकरी भी मिल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो शिक्षा में रुचि जागी. और जब शिक्षा में रुचि जाग गई तो जो खाली घूमता था हमारा युवक, खाली कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, yes. तो उससे वो यानी एकदम दूर हो गया और अपनी पढ़ाई में लग गया, अपने आप के विकास के नाते ये सब चीज़ें करने लग गया. पढ़ाई करने के बाद भी कुछ लोगों को जिनको काम नहीं मिलता था, वो माता पिता पर डिपेंडेंट होते थे, उनको जेब खर्ची की भी जरूरत होती थी, हमने एक स्कीम चलाई सक्षम युवा. तो सक्षम युवा उसमें 100 घंटे का हम काम देंगे और बदले में यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 9,000 रुपया, जो ग्रेजुएट है उनको 7,500 रुपया ये देंगे. और जब तक नौकरी नहीं लगते, अपना काम में नहीं पहुंच जाते, 3 साल की एक लिमिट रखी कि 3 साल में हम उनका सहयोग करेंगे. और सामान्यतः युवक जो होता है उसको 3 साल का सपोर्ट मिल जाए तो कहीं ना कहीं अपने काम में लग जाता है, अपना व्यवसाय करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो करता है, लेकिन बहुत बड़ा उसको एक संबल मिल जाता है. और ये हमने किया, इससे यानी लगभग 1 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है. और फिर जब पढ़ाई में उसकी रुचि जाग गई, पढ़ाई के साथ साथ उसको हुनर सिखाया जाए, स्किलिंग. हरियाणा पहली स्टेट है जिसने एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है. उस यूनिवर्सिटी में अभी प्रारंभिक कोर्सेज शुरू किए हैं, इंडस्ट्री के साथ MOU किया, उनको स्किलिंग जिस टाइप की चाहिए उस टाइप की स्किलिंग उनको दिलवाई, और आज हज़ारों जो नौजवान हैं स्किलिंग लेकर के और या तो अपने काम में लग गए या फिर नौकरी प्राप्त कर गए, या वही जो इंडस्ट्री जिसके साथ हमने MOU किया उस इंडस्ट्री में उनकी प्लेसमेंट हो गई. तो ऐसा युवकों के अंदर विश्वास बहाल हुआ कि हरियाणा में हमें खाली नहीं रहने दिया जाएगा, हमको आगे बढ़ाया जाएगा. मोरओवर अब तो हमने इंडस्ट्री के सामने एक विषय रखा कि आप लोग जो नौकरी देते हैं प्राइवेट लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए, तो कम से कम 75% हरियाणवी युवकों को आप नौकरी दीजिए. और हरियाणा के युवक को आज इस बात से संतोष है कि हमारी चिंता करने वाला कोई है. और युवा यहाँ का एक होनार है, इसको एक ठीक दिशा चाहिए, इसमें एनर्जी है. ये भी है कि किसी व्यक्ति में जब एनर्जी होती है उसको ठीक दिशा में न लगाया जाए तो वही एनर्जी उसकी विध्वंसात्मक बन जाती है और वो गलत दिशा भी पकड़ लेता है. तो जब गलत दिशा पकड़ लेता है तो उसका दुष्परिणाम निकलते हैं. इसलिए ठीक दिशा में युवक हो, हमारे युवा में बहुत होनार है, ताकतवर है, बुद्धिमान है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने में हमको भी ठीक लग रहा है. और युवा में भी एक विश्वास जागृत हुआ कि इस सरकार के अंदर हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है. डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई चिंता है उनकी जो इस टाइम कर रहा है. सर नेक्स्ट अब जो भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो सवाल ये रहेगा कि हरियाणा को जैसे हम जानते हैं कि हर घर में ना मेडल कॉमन हो रखा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स में इतना इंक्लिनेशन है, हरियाणा का लैंड्स ऑफ स्पोर्ट्समैन के नाम से इसे जाना जाता है. और मैंने ये सुना अभी कि जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें एज इनकरेजमेंट पहले ही कुछ राशि आप प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो इनकरेज रहे, उनका जो इन्वेस्टमेंट है अपने स्पोर्ट्स की तरफ वो अच्छा रहे. तो सर इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर बताएं. देखिए, हमारा युवा जो है वो बलशाली है, वो बुद्धिमान है, और वो हर दृष्टि से आगे अपने आप को बढ़ाने में मेहनत करता है, उसको अवसर मिलना चाहिए. यहाँ संयोग से खेलों में हरियाणा जो है भारतवर्ष के अंदर बहुत आगे रहा है. हमारे जो मेडल हैं सारे देश भर के, जब भी कोई भी टूर्नामेंट होती है, कोई भी खेल होते हैं, उसके अंदर सारे देश के सभी प्रांत एक तरफ, हरियाणा एक तरफ, तो इतने हमारे जोरदार जो खिलाड़ी हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं. अब उसमें हमने इनाम की राशि भी सर्वाधिक रखी हुई है, यानी अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेकर के आ जाए तो उसको 6 करोड़ रुपए की राशि हम देते हैं, और अगर कोई सिल्वर मेडल या कांस्य मेडल लेकर के आए तो उसको थोड़ा कम देते हैं. इवन जो पार्टिसिपेट करते हैं
उनको भी हम 15 लाख रुपया दे देते हैं। पार्टिसिपेट करेगा चाहे मेडल लेके आए ना लेके आए, लेकिन वापस आने के बाद उसको 15 लाख रुपये मिलते हैं। खिलाड़ियों को और से एक विषय आया कि भाई 15 लाख वापस आने के बाद आप देते हैं, इसका तो हमें कोई लाभ नहीं है, हमें तो तैयारी के लिए पहला चाहिए, तो इसलिए उस 15 लाख में से कुछ राशि हमको तैयारी के लिए पहले दे दीजिए। हमने कहा बहुत अच्छा, आप ही के पैसे हम पहले दे देते हैं, तो हमने उसमें से 5 लाख रुपया तैयारी के नाते उसको पहले देना शुरू कर दिया कि अपनी तैयारी करो, खाना पीना खुराक और भी जो आपको आवश्यकता लगती है, कोई किसी प्रकार के खेलों के लिए कोई सामान खरीदना है तो वो खरीदें, ताकि तैयार होकर के और अपने खेल के अंदर जाके उतरें और वापस आएंगे, जीत के आएंगे तो उनको मेडल मिलेगा, उनको राशि मिलेगी, किसी कारण से जीत नहीं पाएंगे तो आते ही 10 लाख रुपये फिर उनको दे देंगे। तो इस प्रकार से हमने सारी योजना एक सामने वाला जो है जिसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके योजना बनाते हैं। हम कोई योजना बनाएं उसकी आवश्यकता कुछ और है, ऐसा नहीं, तालमेल करके हम सब चलते हैं। परफेक्ट सर, अभी ये बात करते करते एक दिमाग में सवाल आ गया, आपका पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ओहो, बचपन में तो मैं गुल्ली डंडा खेलता था। बट सर ये तो मतलब आगे चल करके मैं संघ की शाखाओं में जाने लगा तो मैं कबड्डी खेलने लग गया। ग्रेट। तो खेलों का हमारे समय में थोड़ा सा अंतर था आज और उस समय के खेलों में। आज खेल जो है थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ गया है। पहले खेल एक शौक की तरह होता था, गांव में हर विद्यार्थी हर नौजवान खेल खेलता था, पहले लोग खेल मिट्टी में खेलते थे, आज मैट पर आ गए। तो मैं तो दोबारा से फिर हमारे साथी नौजवान खिलाड़ियों को कहूँगा कि मैट पर खेलना ठीक है, जहाँ प्रतियोगिता करनी है खेल खेलना, लेकिन मैट के साथ साथ मिट्टी में खेलना भी शुरू करें। अगर मिट्टी में खेलना शुरू करेंगे तो सामान्य नागरिक सामान्य युवा उसको भी अवसर मिलेगा कि अच्छा खिलाड़ी बने, अच्छे खेल में आए, और इससे खर्चीला खेल भी नहीं बनेगा। तो मैट पर भी खेलें मिट्टी में भी खेलें, और खेल के नाते अपना शरीर उसका बलशाली होना ये बहुत ज़रूरी होता है, बल बढ़ाएं। और हमारे देश में तो खाने पीने की कमी नहीं है, यहाँ तो कहते हैं ये, यानी एक हम छोटे होते थे एक गाना बोला करते थे, 1 नवंबर सन 66 है बड़ा राज हरियाणा, शाम सवेरा जित दोनों बखता दूध दही का खाना, ऐसा हमने बोला। तो दूध दही का खाना यहाँ है, हरियाणा जो है यहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, और खूब नौजवान अपनी सेहत भी बनाते हैं, व्यायाम करते हैं, वर्जिश करते हैं, और अब तो उस वर्जिश के साथ साथ योगा का शौक भी हो गया नौजवानों को। योगा संयोग से भी 21 जून को योगा दिवस आ रहा है, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जो योगा दिवस के रूप में सारे विश्व में इसको मान्यता दिलाई है, बहुत एक अच्छा एक काम हुआ है हमारे देश के लिए कि योगा हमारी सांस्कृतिक पहचान ये दुनिया में गई है, हमारे युवक भी योगा करने लग गए स्वास्थ्य शरीर ठीक रखने के लिए। बहुत बढ़िया सर, और अभी इसी से मैं अपने अगले सवाल की तरफ निकलूंगी। स्पोर्ट्स में तो हरियाणा का दबदबा हमेशा से बना हुआ है, पर अभी मैं आपको बताऊं मैं मुंबई में पली बड़ी हूं, तो जो मेरे मुंबई के दोस्त हैं वो मुझे कॉल करते हैं, अब मैं नॉर्थ में रहती हूं, तो उनको लगता है कि हरियाणा के तो आसपास ही है, तो वो देख के करण लाग रही है, वो भी सीख गए हैं कि इतना स्लैंग हरियाणा का है, हरियाणा में देखकर करण लाग रही है। बिकॉज़ पहले ऐसा था कि बॉलीवुड में पंजाब बड़ा डोमिनेट करता था, अब हरियाणवी कूल हो चुकी है आज के यूथ के लिए इन बॉलीवुड एंड एवरीवेयर वी सी। तो इस इंडस्ट्री को और आगे लेकर आने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए क्या प्लान्स है सर आपके? देखिए हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बना चुका है, चाहे वो खेल है उसमें आगे है ही हैं, और जहाँ कहीं पढ़ाई है उसके अंदर भी हमारे लड़के लड़कियाँ सब बहुत मेरिट पर आगे आए हैं। अब फिल्मों की जब बारी आई है तो फिल्म में भी हमने सबसे पहले फिल्म पॉलिसी बनाई अपनी, फिल्म पॉलिसी में हरियाणवी भाषा में कोई फिल्म बनाएगा उसको पैसा देंगे हम, जो हरियाणा की भूमि पर ज्योग्राफिकली यहाँ करके फिल्म बनाएगा उसको पैसा देंगे, हरियाणवी कोई कथा कहानी कोई बैकग्राउंड होगी उसको पैसा देंगे, हरियाणवी युवक अगर कोई कहीं भी जा करके फिल्मों में काम करेगा उसको पैसा देंगे। तो इस प्रकार से हरियाणा के साथ किसी भी प्रकार का उसका जुड़ाव होगा तो हम ज़रूर देंगे। हाँ, अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छी फिल्में बनाने के लिए थोड़ा सा जो बाकी प्रदेशों का जैसा सिलसिला रहता है पब्लिक में आकर उस फिल्म का एक स्थान बनना चाहिए, एक प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता में बाकी स्थानों के साथ भी मुकाबला करना होता है, और मुकाबला करने में हम कोई किसी से कम नहीं है, हरियाणवी कदे के साथ दबा नहीं कर दे। यस सर, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन है, हर साल हम देखते हैं कि जब गर्मियों का टाइम आता है पानी की किल्लत हो जाती है ना, लोगों को बार बार हम भी रेडियो के थ्रू समझाते हैं कि पानी बर्बाद मत करो, पानी पानी सिर्फ गानों में अच्छा लगता है रियलिटी में नहीं, तो और कहा जाता है कि जो अगला वर्ल्ड वॉर हो सकता है हमेशा कहा जाता है पानी पे हुआ जा सकता है, तो इस वॉर को रोकने की आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए बहुत गंभीर प्रश्न है ये जी, और इस प्रश्न को तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जीवन के लिए
पानी बहुत जरूरी है, जल है तो जीवन है, और अगर जल के प्रति या पर्यावरण के प्रति, मैं दोनों चीजों को जोड़ता हूँ, हम अगर गंभीर नहीं हुए तो हमारे लिए संकट पैदा हो सकता है, आने वाली पीढ़ियां बहुत भुगतेंगी। पानी का जहाँ तक प्रश्न है कि पानी सीमित है, उपयोग उसका निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, अब इसलिए बढ़ते हुए प्रयोग के कारण से पानी को उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, और ठीक प्रबंधन करके जितना पानी है उसका सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले तो पानी जो भी वेस्ट वाटर होता है उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, ट्रीट करने के बाद उसको रीयूज करना, जहाँ जहाँ ट्रीटेड वाटर रीयूज हो सकता है। ठीक है, हमें पीने के लिए पोर्टेबल वाटर चाहिए, लेकिन सामान्य और जो उपयोग होते हैं, सफाई के लिए, कहीं बागवानी के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, कहीं स्वच्छता के लिए, ये जो पानी का उपयोग होता है ये हम ट्रीटेड वाटर का उपयोग भी कर सकते हैं, वो हम करने लग गए हैं। फिर पानी का स्रोत हमारा या तो नदियाँ हैं, वर्षा होती है तो पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं, हमारे यहाँ संयोग से नदियाँ हरियाणा के अंदर निकलती नहीं हैं, या तो पंजाब की तरफ निकलती हैं या उत्तर प्रदेश की पहाड़ से उधर से निकलती हैं। हमारे यहाँ बहुत एक यमुना नदी में हमारा थोड़ा शेयर है, तो वो बहुत कम पड़ता है, इसलिए लोगों ने, किसानों ने खास करके पानी को दोहन करना शुरू किया जमीन में से। अब जमीन में से जब निकालना शुरू किया तो पिछले 12-13 वर्ष का मेरा अध्ययन है कि हर वर्ष पानी का जो 1 मीटर डाउन जाना शुरू हो गया, बहुत से जिले तो डार्क जोन में चले गए बहुत से ब्लॉक। अब डार्क जोन में जाने के बाद हर वर्ष पानी नीचे चला जाता जाएगा, तो आने वाले 10-20 वर्ष के बाद संकट हो जाएगा अगली पीढ़ी के लिए। तो हमने कार्यक्रम शुरू किया मेरा पानी मेरी विरासत, और मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब कि पानी बचा करके आप अगली पीढ़ी को सब कुछ दे के जाने वाले हैं, धन दौलत मकान अपना सोना चांदी जमीन भी दे के जाने वाले, लेकिन जमीन के अंदर पानी नहीं होगा तो फोकी जमीन खोखली जमीन क्या, उसका उपयोग क्या होगा। इसलिए इन सब चीज़ों के साथ पानी भी दे के जाना है, तो पानी को भी विरासत मान करके इसको बचाओ, अगली पीढ़ी को हम दे सकें। तो इसलिए उसके लिए हमने धान जो है इसकी बिजाई ये कम कराई, धान बहुत पानी पीता है, तो धान की बिजाई कम करेगा तो किसान को हमने कहा और फसलें विविधीकरण उसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़ हम आपको देंगे, इवन अगर खाली भी रखेंगे खेत को धान की बिजाई करेंगे तो भी हम 7,000 रुपये देंगे। तो हमने इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, और पानी की रिचार्जिंग बोरवेल जगह जगह हमने कराए हैं ताकि वर्षा का पानी जमीन के अंदर जाए। तो ऐसे कई हमने पग उठाए हैं, पानी का साफ करना, ट्रीट करना, रीयूज करना, और फिर पानी को रिचार्जिंग के माध्यम से जमीन के अंदर डालना, जमीन में से कम पानी निकालना, जितना आवश्यक है उतना निकालना, और जमीन में जो सिंचाई हमारे किसान बंधु करते हैं, हमने कहा किसान खेती जो है करने के लिए सिंचाई के कई प्रकार हो सकते हैं, खुली सिंचाई फ्लड इरीगेशन जिसको कहते हैं, इसमें पानी बहुत लगता है, इसकी बजाय हम क्या है कि माइक्रो इरीगेशन, यानी इसराइल जो है उसके पास पानी ना के बराबर है, फिर भी वो जमीन से पानी निकालते हैं और उसका माइक्रो इरीगेशन का बहुत बड़ा एक उनका प्रोजेक्ट चलते हैं, तो माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से करेंगे तो 30% पानी में हम आज जो फसलें ले रहे हैं वो ले सकते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस 2 वर्ष में, ये 2021 और 22 ये द्विवर्षीय जल प्रबंधन योजना ऐसा हमने इसके लिए रखा है कि जल प्रबंधन ये करेंगे 2 साल का, और इसके अंदर पानी की जो कमी है उसको हम पूरा करने के लिए अपनी सारी योजनाएं बनाएंगे। वंडरफुल सर, और अभी इस इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए, आज का जो युवा है ना रैपिड फायर में बहुत बिलीव करता है, फटाफट क्वेश्चंस फटाफट जवाब, तो एक रैपिड फायर आपके लिए भी तैयार किए, बड़े सांसी सवाल लाए हूं आपके लिए, मतलब तो अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगी आप मुझे इसके जवाब दीजिएगा सर। तो हम ना एक 3 AM फ्रेंड, 6 AM फ्रेंड, हम यूथ का आजकल ऐसा होता है जिसको हम जब भी परेशान हो कॉल कर सकते हैं, तो आपका अगर हम जानना चाहें कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का 6 AM फ्रेंड कौन है, जब भी वो प्रॉब्लम में आए तो उन्हें फोन कर सकते हैं। फोन होना हो लेकिन 6 AM पर मुझे चाय चाहिए। चाय आपकी रियल फ्रेंड है। चाय मुझे जल्दी मिले तो फिर मैं अपने बाकी काम काज को उसके बाद शुरू कर देता हूँ। परफेक्ट सर, अगला सवाल ये रहेगा कि स्पीड डायल पे किसका नंबर रहता है आपके? ऐसा कोई इतना प्रिय नहीं है कि मैं स्पीड डायल से नंबर पर रख सकूं। सच्ची में? मैं सारे समाज को प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, और सारा समाज मुझको चाहता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा अपने स्पीड डायल पर रखूं और बाकी को ना रखूं, मैं रखूंगा तो सबको रखूंगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। लवली सर, आई थिंक फोन वालों को ये एक ऑप्शन निकालना चाहिए कि सबका नंबर स्पीड डायल पे आ जाएगा। राइट सर, अभी जैसे आपसे मैं मिलने वाली थी, मेरे को गूज बम्स आए हुए थे, मैं डरी हुई थी, नर्वस थी वहां पे,
आप जब मोदी जी से मिलने जाते हैं तो कौन सी चीज है जिसका आप खास ख्याल रखते हैं कि इसका तो मुझे ध्यान रखना है? देखिए, मैं नर्वस कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे इनफॉर्मल हमारे संबंध है, हम इकट्ठे 6 साल तक काम किया जी। समय का पालन सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर उन्होंने 10 मिनट कहा तो मैं 10 मिनट की तैयारी से जाता हूँ, उन्होंने 50 मिनट कहा तो 50 मिनट की तैयारी से जाता हूँ, और जो समय तय किया है वो भी बहुत पर्टिकुलर है टाइम के। तो टाइम कीपिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई मीन टेक केयर ऑफ। परफेक्ट सर, अभी हम इतनी सारी किताबों के आगे बैठे हुए, हमारा बैकग्राउंड सबसे अच्छा है और किताबें हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। अब आपसे अगर पूछूं कि आज के युवा को कोई किताब आप अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहेंगे कि ये जो किताब है ये मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, आपको भी जरूर पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। किताबें तो अपना एक ऐसा अच्छा दोस्त होती हैं और हर किताब में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, लेकिन मैंने किताब पढ़ी थी दत्तोपन जी ठेंगड़ी, उनकी किताब थी राष्ट्र जीवन की दिशा। ओके, बहुत एक ऐसी वो किताब है, उनके जो संकलन है उनके भाषणों का, एक एक चीज को बहुत बारीकी से उन्होंने लिखा, और एक व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा तय करने में राष्ट्र जीवन की दिशा एक बहुत एक लवली किताब है। परफेक्ट, तो ये सर का रिकमेंडेशन है। इसके बाद सर, आपको मूवी वगैरह देखने का टाइम मिलता है? कोई लेटेस्ट फिल्म जो आपने देखी हो? कभी कभी देखता हूँ मैं दो मूवी की बात कर सकता हूँ। एक मैंने देखी थी उपकार, अच्छा, शायद मनोज कुमार की वो थी और बहुत अच्छी मूवी थी देशभक्ति की। Okay. और एक मैंने बड़ी हंसी मजाक की ह्यूमरस फिल्म देखी थी, थ्री इडियट्स। अरे ब्रिलियंट फिल्म। अभी उनके एक जो एक्टर थे वो पीछे मुझे मिलने भी आए थे, तो उनको मैंने याद किया, मैंने कहा आपकी जो फिल्म देखी थी और बहुत अच्छा उसमें उनका रोल था। तो देखी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं फिल्मों में मेरा उतना ज़्यादा रुचि नहीं है जितना प्रत्यक्ष काम में, तो इसलिए ये फिल्म मुझे याद है इसलिए। परफेक्ट सर, अभी आपसे अगली चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है ना। अभी लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि हमारे तो चीफ मिनिस्टर है, इन्हें किससे डर लगता होगा, पर कोई ऐसी चीज है जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता हो, थोड़ा सा घबराते हो आप उस चीज से? डर अगर हमें लगता मुझे, तो मैं एक सामान्य बालक था गाँव का, और गाँव के बालक होने के नाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरा जो स्वभाव है वो निडरता का ज़्यादा है, निर्भीकता का ज़्यादा है। किसी से नहीं डरो, जो होना है वो होना है जी। गीता में लिखा है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा सो ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। अगर आपने उस होने वाली आने वाली घटना को कहा कि गलत होगा तो तब डर लगता है, डर नहीं लगता, कभी नहीं लगता। निडरता जो है यही एक विशेषता है, यानी मौत से भी डर नहीं लगता। जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग आए जब मौत बहुत करीब से निकल गई जी, तब भी हमने देखा और सोचते रहे कि अगर हो जाता तो हो जाता, तो इसलिए डरना कभी नहीं, निडरता यही सबसे बड़ा गुण है। बिल्कुल सर, और नेक्स्ट जो मेरा सवाल आपसे रहने वाला है वो ये है कि आप भाषाएं बहुत जल्दी सीखते हैं, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने चाइनीज सीख ली, रशियन सीख ली, तमिल लोग इम्प्रेस कर दिया आपने तमिल बोल के सर, तो अभी जब वक्त मिलेगा इस कोविड के बाद अपने लिए काफी ज्यादा, तो कौन सी एक वो हॉबी है या कौन सी एक और वो नई चीज है जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सीखना चाहेंगे? मैंने एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पहले से तय कर लिया है कि जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं जापानी सीखूंगा। आप गए थे ना सर एक बार जापान, मुझे याद है आपने, और मैंने 6 मिनट का भाषण भी दिया वहाँ जापानीज में, वो मैंने लिखा देवनागरी में लिख करके और उसका सारी प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब सीख ली। ऐसे ही कोई एक सिखाने वाला एक ट्यूटर वहाँ मुझे मिल गया, तो उसने तैयार करके दिया, मैंने एक से तैयार किया, दूसरे से फिर उसका अनुवाद भी करवाया कि जो उसने सिखाया ठीक सिखाया ना, नहीं तो कहीं थ्री इडियट वाली कहानी ना बन जाए चतुर की तरह। बिल्कुल परफेक्ट सर, कोई लैंग्वेज है जो आप हमें थोड़ी सी बोल के बताएंगे, फिर आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्या बोला? इन्ना पेरंगला सोलिंगला। आपने मेरे से मेरा नाम पूछा सर। अब आपको समझ में आती तो ठीक, तब नहीं आई तो मैं क्या करूँ सर, बता दो सर। इन्ना इंगे पेरन क्या, आपका घर कहाँ है? अच्छा। ये तमिल है, मुझे इतना आता है। निंदा पेरंदा, निंदा पेरंदा, नाम क्या है? हाँ नाम क्या, इसलिए मैंने सबसे पहले गैस ही वो किया भाई आपने बोला होगा। बट सर आखिर में उंगले के वीडेंगे करता, आपका घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ? वो ये ऐसा बोलते हैं सर, दैट्स बहुत अच्छी तमिल आती है आपको। रुम्बो नल्ला करता। आई क्विट, हैंड्स डाउन सर जीत गए। परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं डर गई अभी क्या बोला सर ने। बट सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आखिर मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा आज की युवा के लिए, लोगों के लिए जो इस टाइम आपको देख रहे हैं? वैसे तो मैंने अपनी बातचीत में बता दिया, निडर बनो जी, है ना, बी ब्रेव,
बढ़ते चलो। स्वामी विवेकानंद ने कहा चरैवेति, रुकने का कोई नाम नहीं। आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी पोजिशन में हैं, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, और हर दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प लो। परफेक्ट सर, और मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी। आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ कि आपसे आज बात करने का मौका मिला, और जिस तरीके से बींग अ यंग पर्सन मैं आपसे कनेक्ट कर पाई, आपको और बेहतर तरीके से जान पाई। आई एम वेरी श्योर कि जब लोग ये वीडियो देखेंगे, इस इंटरेक्शन को देखेंगे, वो भी अपने चीफ मिनिस्टर को और करीब से जान पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।